बिग बॉस 16 में आए दिन कोई ना कोई इमोशनल ड्रामा चलता रहता है। शो में गेम के चलते ज्यादातर लोग अपने इमोशन बाहर नहीं आने देते, लेकिन इस वीकेंड बिग बॉस ने सभी घरवालों को दिल की बातें शेयर करने का मौका। इसके बाद घरवाले बिग बॉस से अपनी बातें शेयर करके इमोशनल होते दिखाई दिए। वहीं प्रियंका चाहर चौधरी और शिव ठाकरे ने भी इमोशनल होते हुए बिग बॉस से अपनी कमजोरियां साझा की। शो की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स मानी जाने वाली प्रियंका ने भी अपनी जिंदगी से जुड़ी बातों को बिग बॉस के सामने साझा किया। उन्होंने बिग बॉस से कहा कि वो एक आम लड़की है, उन्हें शादी करनी है। वहीं वो अपनी लव लाइफ को लेकर बिग बॉस के सामने बहुत इमोशनल हो गई थी। अंकित के साथ उनकी लव लाइफ को लेकर वो परेशान थी। इसके साथ ही उन्हें ये टेंशन हो रही थी कि उन्हें आगे काम मिलेगा या नहीं। प्रियंका के अलावा अंकित, टीना और शालीन और शिव भी बिग बॉस से अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। शिव बिग बॉस से कहते हैं, सभी को लगता है कि मैं दिमाग से खेलता हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को पता है कि मैं दिल की सुनता हूँ। इन लोगों के सामने तो मैं रो भी नहीं सकता। इस दौरान शिव काफी इमोशनल हो जाते हैं। वहीं अर्चना गौतम ने बिग बॉस के सामने रोते हुए कहा कि घर के बाहर उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और न कभी कुछ गलत बोला है, पर यहाँ आकर वो बहुत अलग बन गई हैं। बता दें कि सलमान खान ने वीकेंड का वार में कई कंटेस्टेंट्स की बातों का खुलासा किया, जिसके चलते प्रियंका और अंकित के रिश्ते में दरार पड़ गई। वहीं टीना और शालीन से पूछे गए सवालों ने भी उन दोनों के रिश्ते में दीवार खड़ी कर दी थी। वीकेंड का वार के बाद लग रहा था कि प्रियंका और अंकित का रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रियंका, अंकित, टीना और शालीन अपने अपने रिश्ते को मजबूत करने में लगे हैं। तो इस खास वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।